दोस्तों आज सुबह 9 से 12 बजे तक यूपीएससी का जीएस पेपर थर्ड का पेपर हुआ, जो कि आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये जीएस पेपर थर्ड जो है, इसका सिलेबस होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये वाला टॉपिक जो है, ये खासकर न्यूज़पेपर के साथ में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है। जीएस पेपर टू और जीएस पेपर थर्ड, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर रखा रहता है, कहीं ना कहीं करंट का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ये पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है, जैसे मैंने बताया 9 से 12 बजे तक ये पेपर आप लोगों का चलता है। अब जो ये पेपर हुआ है, इसमें बिल्कुल सेम पैटर्न में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू के अंदर देखने को मिले। मतलब क्या है? मतलब यह कि टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 20 क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 और 10 क्वेश्चन। 10 और 10 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आप लोगों के रहेंगे 15 नंबर के, जो कि 15 नंबर के नहीं, सॉरी 10 नंबर के, ठीक है, 10 नंबर के, जो कि आप लोगों को यहां पर 150 शब्दों में लिखने हैं। और बाद के 10 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे यहां पर, ये आप लोगों के रहेंगे बेसिकली 15 नंबर के, जो कि आप लोगों को 250 शब्द के लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो 10 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के 10 क्वेश्चन हो गए 10 नंबर के, यानी कि 100 नंबर आप लोगों के यहां से निकल कर आ गए। और ये जो 10 क्वेश्चन है, ये हो गए आप लोगों के 15 नंबर के, यानी कि 150 नंबर आप लोगों के यहां से निकल कर आ गए। तो टोटल मिलाकर 250 नंबर का पेपर आप लोगों के यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जीएस पेपर थर्ड, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अंदर कवर होता है। तो आइए पेपर की झलक देखते हैं, जिससे कि आप लोग चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ये है आज का पेपर, हल्का सा धुंधला आप लोगों को लग रहा है, पर लेकिन हाँ काम चलाइए, क्योंकि पढ़ पढ़कर मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, चीजें आप लोगों की समझ में आती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए 10 नंबर का, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोगों के पहले से लेकर टोटल मिलाकर 10वें तक आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेंगे 10 नंबर के, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखने, यानी कि 100 नंबर कंप्लीट हो गए। फिर आगे के आप लोग के जो यहां पर जो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट हो गए, वो है 15 नंबर के क्वेश्चन, 250 शब्द में आप लोगों को लिखने। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के हो गए 10 क्वेश्चन। तो बिल्कुल पैटर्न वही है जो जीएस पेपर 1 2 का रहा, सेवन थर्ड आप लोगों को सेम जो है वो थर्ड का भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, जिससे कि आप लोग चीजों के साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और आप में से कौन कौन ऐसे एसएलई फैमिली मेंबर हैं जो कि 2024 में पेपर देने वाले हैं या फिर 2025 में पेपर देने वाले हैं, ये जरूर बताएगा, क्योंकि इससे मुझे आइडिया लगता रहता है। उसी तरीके से फिर हम लोग जब क्लास लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहता है, ताकि एक सब एक बच्चे को कनेक्ट करके चला जा सके, ठीक है। तो ये अभी पेपर हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। पहला ही क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आसानी से आप लोग यहां पर समझ पाएंगे, और ये कई बार इसके ऊपर आप लोगों ने एडिटोरियल भी देखे होंगे। बोला गया कि फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्ड इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी, पर्टिकुलरली जब हम लोग बात करते हैं एमएसएमई के अंदर में। तो गवर्नमेंट ऑन द प्रेजेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो यहां पर कमेंट करना है ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो ये 150 शब्द का और 10 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को अपने देश का अगर जीडीपी बढ़ाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है अपने देश की जीडीपी, इनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने का। तो यहां पर क्योंकि आप लोगों को मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न समझाया था कि किसी भी देश की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ती है, पहले प्राइमरी सेक्टर रहता है, फिर सेकेंडरी पर जाती है और फिर टर्सरी पर जाती है। प्राइमरी सेक्टर में जैसे रॉ मटेरियल आ गया, जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग गन्ने के बारे में बात करते हैं, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं। फिर सेकेंडरी में हम लोग उस गन्ने का गुड़ बना दिया, चीनी बना दिया या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, और फिर टर्सरी सेक्टर में हम लोग उसको मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। तो ये प्रोसेसर आप लोगों का चलता है। यहां पर हमारा फोकस जो रहने वाला है वो है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। तो हमारे देश के अंदर में कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज हैं सरकार की जो कि इसको बढ़ाने में काम करेंगे, तो उसके लिए आप लोग कई सारी पॉलिसीज का नाम ले सकते हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर में इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लाया गया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जा सके हमारे देश के अंदर में, जीडीपी के अंदर उसका इंपैक्ट देखने को मिले। क्योंकि हमारे देश की जीडीपी में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग उसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर बढ़ता हुआ जा रहा है पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ रहा है। और एमएसएमई एक ऐसा एरिया है जो कि काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन को कनेक्ट करके चलता है इसमें, और ये एक तरीके से हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिलता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे, हमारे देश के अंदर में जो एमएसएमई सेक्टर है वो जीडीपी के अंदर में लगभग 33% ऑफ द कंट्री टोटल जीडीपी इसी से निकल कर आती है, 1/3। आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा सेक्टर है ये, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना बनता है अगर ढंग से आप लोग देखा जाए, ठीक है। इसी के साथ में मतलब ये सही है बिल्कुल, अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे, ये सेक्टर अगर पीछे छूट गया कोविड-19 के टाइम पर भी सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस इसी पे दिया। इसी के साथ में यहां पर इसके अंदर में अगर बात करें, लगभग 8 मिलियन मतलब
80 लाख रजिस्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है हमारे देश के अंदर में, और लगभग 120 मिलियन ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज और अलग अलग रीजन के अंदर में। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक हो गया, दूसरा प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम अभी नया ताजा ताजा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि सब सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, कोई प्रोडक्ट बनाया उसमें सरकार ने इंसेंटिव दे दिया कि हाँ इससे आप लोग छूट दे दिया ताकि आप लोग और अच्छे से इसमें काम कर सको, इलेक्ट्रॉनिक फार्मास्यूटिकल ऑटोमोबाइल ये बहुत सारे एरिया में हम लोगों ने चीजें प्रोवाइड कराई। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई गई जिसमें हम लोगों ने बोला है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% तक बढ़ाना है 2025 तक, और इसमें 100 मिलियन जॉब क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर मेंशन करना है यहां पर, ठीक है। तीन पॉइंट हो गए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हो गई, चार पॉइंट हो गए। पांचवा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए सरकार ने दुनिया भर के इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम कर सके देश के अंदर में, ठीक है, ताकि आराम से बिजनेस किया जा सके। इसलिए हमारे देश के अंदर में स्टार्टअप की जो रैंकिंग है वो बढ़ती जा रही है और हम लोग टॉप 3 स्टार्टअप में आ गए हैं दुनिया में। सबसे पहले पर यूएसए और चाइना, और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी में सबसे बड़ा रिफॉर्म पांचवें नंबर पर जीएसटी आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर बहुत ही बड़ा रिफॉर्म लेकर आ गया देश के अंदर में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ताकि हमारे देश के अंदर में जो टैक्स का बर्डन है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके और चीजों को सही तरीके से लेकर चला जा सके। स्टार्टअप इंडिया हमारे देश में डे तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताइए किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सातवें नंबर पर आप लोग यहां पर इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि हां एक तरीके से हमारे देश के अंदर में ऐसा ढांचा बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बिजनेस करना आसान रहे, ठीक है। क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मत लिखना भूलिएगा इसमें, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया इनिशिएटिव अपने देश का आप लोग देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे हैं जिसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जब इकट्ठी होकर आएंगी तो हमारे देश के अंदर में बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को जीडीपी का जो है वो ग्रोथ आप लोगों को होता हुआ यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको आसानी से आप लोग लिख सकते हैं और एक तरीके से उदाहरण के साथ में आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली डिजिटलाइजेशन के ऊपर कितना फोकस दिया गया, जब हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन किया गया उसमें भी सरकार को जो करना था वो नहीं लगा कि हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बात की जा रही है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी एंड एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट द इंप्रूवमेंट। तो ये भी आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन लिखना है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से आप लोग लिख सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन जो है आज की डेट में हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे यूपीआई का उदाहरण ले लो, यूपीआई को इंटरनेशनलाइज कर चुके हैं हम लोग आज की डेट में, अलग अलग देश यूपीआई के ऊपर आप लोग देख सकते हैं काम कर रहे हैं, पहला यूपीआई बोल सकते हो, दूसरा ई गवर्नेंस बोल सकते हो, तीसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप लोग अगर बात करो तो हमारे देश के अंदर में अलग अलग लेवल पर हम लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा गांव गांव में हम लोग इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए कौन से इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं, देखता हूं कौन से आंसर देता है। अभी आप लोग कई बार रिसेंटली अभी आर्टिकल मैंने उससे डिस्कस किए, ठीक है, गांव की मतलब सारी की सारी पंचायत को हम लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल ढांचे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो समझ सकते हैं स्टार्टअप और इसी के साथ में जो इनोवेशन है वो टेक्नोलॉजी जो भी आज के स्टार्टअप है, बड़े से बड़े स्टार्टअप आज को जो आज के डिजिटल के ऊपर डिपेंडेंट है, घर से बैठे बैठे इंसान काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो ये करंट स्टेटस आप लोग देखते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर में अगर आप लोग जाओगे ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर में तो अमेजन फ्लिपकार्ट ये स्विगी ये जोमेटो ये सारे के सारे जो स्टार्टअप जो आए हैं खासकर निकलकर अगर आप लोग देखोगे ये कहीं ना कहीं इसी के तहत आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके सामने कई सारे चैलेंज है, एक तो डिजिटल डिवाइड, अगर आज की डेट में चैलेंज के बारे में बात करें तो पांच पॉइंट मेंशन कर सकते हो, जैसे गांव में अलग देखने को मिलेगा सिस्टम आप लोगों को, शहरों में अलग देखने को मिलेगा, शहर वाले तो ठीक है मजा ले रहे हैं डिजिटल इंडिया का, पर लेकिन गांव वाले उतना नहीं ले पाते आज भी अमेजन की डिलीवरी अगर गांव के किसी एरिया में बोलो करने के लिए तो कह देगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस अभी यहां पर नहीं है, आएगी जल्दी, ठीक है। पहला क्या प्रॉब्लम है, पहला यहां पर डिजिटल डिवाइड जो कि आप लोगों को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसको भी आप लोगों को मेंशन करना है। तीसरे नंबर पर डेटा प्राइवेसी आप लोगों को यहां पर मेंशन करनी है, डेटा प्राइवेसी एक ऐसा इशू हो चुका है कि हमारे देश के अंदर में केस पुत्तास्वामी केस के बाद में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना पड़ गया। तीसरे नंबर पर डिजिटल एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड तो करा रहे हैं पर लेकिन उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों के पास में खुद ही यहां पर इक्विपमेंट नहीं है, कहीं पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो इसको एक डिविजन देखने को मिलता है। तो एजुकेशन को सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कराने के लिए कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, आज की डेट में भी कई जगह ऐसे है जहां पर जाओगे तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप लोग खत्म हो जाएगी, इवन में भी अपने गांव में जाता हूं तो वीडियो अपलोड करने में सर में दर्द हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर प्रॉब्लम यहां पर देख सकते हैं। सजेशन क्या है इसके लिए, देखो
पहले तो करंट स्टेटस में डिजिटल पेमेंट लिख दिया, इकोनॉमिक गवर्नमेंट, ये मतलब हम लोगों ने पांच सात पॉइंट दे दिए, फिर चैलेंज में पांच सात पॉइंट दे दिए, फिर सजेशन में अगर इंप्रूवमेंट में बात करें तो वहां पर आप लोग यहां पर सात आठ पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले रूरल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने बताया हमारे देश के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम जरूर लिखना प्रोजेक्ट का, ठीक है। दूसरा है यहां पर डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन हमारे देश में लेकर आए, जो कि बिल की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता है, लोगों का डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए। तीसरा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों के हाथ में फोन तो आ गया पर लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में से पैसे गायब हो जा रहे हैं, रीजन क्या है, हम लोग उनको अवेयर नहीं कर पा रहे कि ऐसी हरकतें नहीं करनी है, किसी का कॉल आए उसको ओटीपी नहीं बताना है, फलां ठिकाना, ठीक है। डिजिटल स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों के हाथ में जो फोन है वो एक हथियार बन जाएगा, खासकर जो चोरी करने वालों के लिए, अगर उनको हम लोग प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। प्रमोशन डिजिटल पेमेंट का कैसे कर सकते हैं, इसी के साथ में ई गवर्नेंस एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, अगर बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रमोट करते हैं डिजिटल इंक्लूजन, तो ये सारे सजेशन आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन ले लो चाहे हेल्थ ले लो, हर जगह आप लोग यहां पर इवन सरकार भी सारे प्रोग्राम आप लोग देखते हैं दूसरी कंट्री के साथ में, जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हो जिसका आसानी से आंसर दिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा फोकस है भाई साहब, किसानों के साथ में टेक्नोलॉजी की बात कर ली, यहाँ पर बात की जा रही है हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन करना है आप लोगों, तो यहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें हमारे देश के अंदर में टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा हम लोग उठा रहे हैं, जैसे कि फार्मर बीट्स करके अभी यहां पर एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू यहां पर ये इस्तेमाल कर ये काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग ये एक तरीके से लोगों को एक नहीं एक तरीके से एक सही डायरेक्शन देने के लिए कैसे आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं। दूसरा देखने को मिलेगा आप लोगों को, जब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होती है तो वहां पर इंसान जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी जानता है, तो एग्री मार्केट सिस्टम आप लोग देखते हैं वो इसी का प्रोडक्ट आप लोगों को निकल कर आएगा। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के अंदर में जब आप लोग जाते हैं कितना फर्टिलाइजर होना चाहिए, कितनी इरिगेशन होनी चाहिए, इन सब चीजों को चेक करने के लिए भी जीपीएस गाइडेड आप लोगों को यहां पर ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं कई सारे देशों के अंदर, तो ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्रॉप मैनेजमेंट का सिस्टम, जैसे फार्मर ईआरपी करके ये कई सारे एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस ई नेम हमारे देश के अंदर में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। सप्लाई मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन जो आज के डेट में हम लोग बेसिकली एक तरीके ना एक क्या कहते हैं उसको कोल्ड चेन स्टोरेज सिस्टम हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर पर हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चीजें अपने देश के अंदर में फार्म टू फोक तक यहाँ पर एक ब्लॉकचेन सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसके तरह चीजों को कनेक्ट किया जा सके। वॉलमार्ट यहाँ पर काम कर रही है, इंटरनेशनल कंपनी, हमारे किसानों के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए भी कई सारे काम किए जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करें तो फार्मर को इसका भी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, आज के पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फार्म जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलग अलग से बनाए जा रहे हैं हमारे देश के किसानों के लिए, ताकि उनको उस चीज का फायदा उठा सके। मार्केटिंग इंटेलिजेंस ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तो मतलब बहुत ही शानदार तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, कि हम लोग इंटरनेट यानी कि ई टेक्नोलॉजी का यानी कि एप्लीकेशन का आईटी का इनका इस्तेमाल कर रहे हैं खासकर अपने देश के अंदर में। प्रोडक्शन के लिए भी मार्केटिंग के लिए भी हम लोग जो किसानों का ऑल ओवर इंडिया में क्या प्रोडक्ट का भाव है उसको डिसाइड कर हम लोग ई नेम के थ्रू पूरे देश के अंदर में हम लोग चीजों को प्रोवाइड करा सकते हैं। ये बताइए एग्रीकल्चर किसके अंडर में आता है, ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आता है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, देखता हूं कौन से बताता है। तो एक आंसर है जिसको आप लोग दे सकते हैं, और खासकर एक किसान फैमिली से आते हैं तो ऐसे टॉपिक जरूर तैयार कर लो, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारे देश के अंदर में खासकर काफी बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट करके आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्या एक इस तरीके से हमारे देश के अंदर में ऑब्जेक्टिव है और मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं लैंड रिफॉर्म के लिए, और उसी के साथ में जो लैंड सेलिंग पॉलिसी है उनके बारे में बात की जा रही है। ऑन द लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर एज द इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर द जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, तो ये क्वेश्चन लिखना है। हालांकि ये क्वेश्चन यहां पर 150 शब्द में दिया है, पर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि ज्यादा शब्दों में भी यहां पर इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है लैंड रिफॉर्म के, सबसे पहले तो ये था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड हो जाए, पॉइंट नंबर वन सबसे पहले आप लोगों को लिखना है। हमारे देश के अंदर में अगर पहले से आप लोग बात करोगे तो जरूरी था कि कंसोलिडेशन ऑफ द एक तरीके से होल्डिंग हो सके, क्योंकि छोटे छोटे रकबे हमारे देश में थे, एक भाई है दूसरा भाई है तीसरा भाई है, तीनों भाई के बीच में बाप के पास में अगर 6 बीघे जमीन है 2-2 बीघे आ गई, उनके 2-2 बच्चे हो गए 1-1 बीघे आ गई, सबसे ज्यादा दिक्कत यह है। इससे भी खतरनाक दिक्कत यह थी कि जो लैंड आ तो गई है पर उस लैंड में लैंड रिफॉर्म की दिक्कत है यहां पर, यानी कि एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड की बात की गई। इसके लिए हमारे देश के अंदर में काम किया गया ताकि कोई कल को जमीन बेच रहा है तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना देखने को मिल सके, ठीक है। इसी के साथ में एक तरीके से यहां पर सबसे खतरनाक चीज एक और थी, यहां पर
टेनेंसी रिफॉर्म हमारे देश के अंदर में, तो उनको भी लेकर आया गया। जिस तरीके से यहां पर कोई इंसान खेतों में काम कर रहा है, किस तरीके से यहां पर उसके खेतों में काम करने वाला मजदूर है, और कैसे वहां पर पर्टिकुलर जो मालिक है तो उनको दोनों को कैसे बैलेंस बनाना उसमें। तो ये अंग्रेजों के टाइम पर आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होगी किसानों के ऊपर, अमरीश पुरी किसान रहता था वहां पर, ठीक है, और मजदूरों के ऊपर अत्याचार करता था, फिर हीरो आकर बचाया करता था, कई सारी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी देश के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या मेजर्स लिए गए, सबसे पहले तो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट आप लोग देखते हैं, जिसके ऊपर यहां पर काम किया गया काफी लार्ज स्केल पर। वेस्ट बंगाल के अंदर में ऑपरेशन तक चलाया गया इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, इसलिए कहते हैं वेस्ट बंगाल में सबसे शानदार तरीके से हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाए। टेनेंसी रिफॉर्म के बारे में बात करें तो तमिलनाडु ने टेनेंसी एक्ट लेकर आया इसी मुद्दे के ऊपर, ताकि यहां पर एक तरीके से ग्रांट किया जा सके अधिकार जो टेनेंट होते हैं, खासकर जो यहां पर खेतों में काम करने वाले होते हैं, ठीक है। लैंड कंसोलिडेशन का काम किया गया अच्छे से, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन किया गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो यहां पर अगर बात करें कि हम लोग लैंड सेलिंग के लिए क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए, तो इक्वली हम लोग चाह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो जाए, पर लेकिन वो सारी चीजें हो नहीं पाई अगर ढंग से देखा जाए, ठीक है। इंक्रीज करने की बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो यार, ठीक है, सोशल इक्विलिटी इसके तहत लेकर आओ, रिड्यूस करो गांव के अंदर में पॉवर्टी, और इंसेंटिव करो लैंड डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारी ऐसी सरकार की पॉलिसी देखने को मिलेगी जो कि इसके तहत निकलकर सामने आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, जिसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख सकते हो। पर लेकिन हाँ, कि एक बेसिक चीज जो है वो आप लोगों को पता होगी तो ही आप लोग एक अच्छा आंसर यहां पर दे पाओगे। तो ये एक मतलब एक मॉडरेट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों को साइंस एंड टेक का देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना न्यूज में है तो आना बनता भी है। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सबसे पहले तो उसको एक्सप्लेन करना है, और बात की जा रही है हाउ डज ये हेल्प करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि हेल्थ के सेक्टर में आप लोगों से पूछा जा रहा है, और क्या ये प्राइवेसी को भी हैम्पर करता है इंडिविजुअल के हेल्थ केयर के अंदर में। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो कई पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीका एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है, जो कि कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है फिर मशीन के थ्रू, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि मशीन जो है इंसानों के तरीके से काम करने लगे। तो ये एक तरीके से आप लोग डेफिनेशन यहां पर दे सकते हैं, खासकर किस एरिया में, प्रॉब्लम सोल्विंग, जैसे इंसान प्रॉब्लम सोल्व करता है ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सोल्व कर सके यहां पर, ये रीजनिंग देकर, लर्निंग से, डिसीजन मेकिंग में। तो यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये किस तरीके से क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, अगर बात की जाए तो फास्ट एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाता है, नंबर वन। नंबर टू, यहां पर आप लोगों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर ड्रग जो एक तरीके से डिस्कवरी है उसमें काफी लार्ज स्केल पर हेल्प कर पा रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू यहां पर हम लोग एक तरीके से इंफॉर्मेशन को सही डायरेक्शन में इस मेडिकल फील्ड के अंदर में हम लोग उसको एक समराइज फॉर्म में और सिस्टमेटिक फॉर्म में डेटा प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। पर्सनलाइज मेडिसिन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, किस तरीके से हम लोग मेडिसिन को एक तरीके से यहां पर पहुंचा सकते हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते, और बहुत बड़ा जो कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिला टेलीमेडिसिन, जो कि जिससे बड़ा उदाहरण आप लोग दे नहीं सकते, ये तो खतरनाक लेवल का उदाहरण था, जो यहां पर इसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये प्राइवेसी का हनन करता है, तो देखो सबसे जरूरी है डेटा सिक्योरिटी। हर एक इंसान का डेटा आप लोग ने रख लिया, निकालकर तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें कोई ब्रीच ना हो, ठीक है। कंसेंट लेना जरूरी है, कोई भी एल्गोरिदम रहे वो इस तरीके से रहे, अगर आप लोगों को यहां पर कोई प्रोडक्ट लेना है उसके एल्गोरिदम ऐसे रखो ताकि वो प्रोडक्ट आप लोगों ने इस्तेमाल भी कर लिया, और इस्तेमाल करने के बाद में उस प्रोडक्ट से फिर वहां पर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उस इंसान की इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर रहे कि कोई उसको एक्सेस ना कर सके, जिसके लिए है वही एक्सेस कर पाए। रेगुलेटरी प्रॉपर फ्रेमवर्क होने चाहिए हेल्थ केयर के अंदर में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो यहां पर हेल्थ के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ना कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन बताइए जरूर। ये क्वेश्चन आना बनता है जिस तरीके से आज के में हमारे देश के अंदर में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और दो दिन पहले इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आप लोग बात करें टॉपिक डिस्कस किया है पूरा। ये देखिए आप लोग अगर 15 तारीख का देखेंगे यहां पर, तो यहां पर बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की है काफी तसल्ली में मैंने डिटेल में, नहीं यकीन आ रहा तो ये 15 सितंबर का आप लोग जाकर देखना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहां पर, जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे इस पे क्वेश्चन भी दूंगा, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, और अगर कोई चाहता है सिस्टमेटिक वे में अपने आंसर लिखना तो यहां पर ये पर्टिकुलर ग्रुप है, बहुत ही एक माइन्यूट सी फी है जैसा मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था, जस्ट ओनली यहां पर 499 आप लोगों को पेमेंट करना है लाइफ टाइम। इसके बाद में आप लोगों को यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे उनके मॉडल आंसर मिलते रहेंगे, और आप लोगों को यहां पर सारी चीजें डेली रेगुलर प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहेगी। क्या करना है, बस यहां पर स्कैन करना है और 8076659165 ये कमेंट में पिन करवा देंगे, ये बेसिकली आप लोगों का नंबर, यहां से आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर देते हैं, एटलीस्ट एक दो आंसर आप लोग रिव्यू करो खुद से और फिर मॉडल के साथ में मैच कर लो, फिर शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया जिसे दो दिन पहले आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया,
तो ये एक अच्छा आंसर आप लोग लिख सकते थे अगर 2 दिन पहले भी आप लोग यहां पर सुनकर गए होंगे पर्टिकुलर डिस्कशन को, तो क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज्यादा बात मैंने उसी चीज की थी कि कैसे सस्टेनेबल है यहां पर। मान लीजिए हम लोग खाना जिससे इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में गेहूं चावल, उनसे हम लोग आप लोग एथेनॉल बनाने लगो तो क्या हम लोग खाने की पूर्ति कर पाएंगे, हम लोग फूड सिक्योरिटी को सही से लेकर चल पाएंगे, तो बात थी। तो आज की डेट में क्या क्या है यहां पर, हम लोग बायो एथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने देश के अंदर में सुगर कैन हो गया, कॉर्न हो गया या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट हो गए जो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बायो एथेनॉल बनाने के लिए, तो ये देखने को मिला। बायोडीजल प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें, एलगी हो गए जैसे, ठीक है, उनसे हम लोग बात करें कैसे हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं, उसके ऊपर काम चल रही है। बायोगैस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर कई सारे बैक्टीरिया है जो कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म जो एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको आप लोग बेसिकली एक तरह से ना एक मतलब उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप लोग बात कर सकते हैं, यहां पर बेसिकली एनएरियो बायो डाइजेस्ट जो आप लोगों को बायोगैस जो नहीं बनाते हैं घर में गोबर से मेथेन प्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीजें, तो ये आसानी से रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी यहां पर कई सारे बैक्टीरिया है, जैसे कि यहां पर अगर नाम भी लिया जाए तो यहां पर क्लोस्ट्रिडियम करके एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जो यहां पर फर्मेंटेशन में काम करता है, तो ये समझ सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी एज ए क्लीन और इफिशियंट फ्यूल यहां पर चला जा सकता है। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो आप लोगों को पता है, हम लोग आज के डेट में H2O यानी कि जल से हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जो यहां पर हम लोग प्रोड्यूसिंग जो बाय विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबीज, तो यहां पर आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके ऊपर काफी काम चल रहा है, तो थोड़ा सा टफ था पर लेकिन हाँ एक क्वेश्चन में थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर बोलूंगा। और वेस्ट से फ्यूल कन्वर्ट करने की तो बात चली रही है कि कैसे वेस्ट से हम लोग फ्यूल बेसिकली बना सकते हैं, ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डैम फेलियर, हद तेरी, ये तो अभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। डैम फेलियर बोला गया आर द ऑलवेज ये कैटास्ट्रोफिक यानी कि एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्पेशली ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। मान लीजिए ऊपर साइड कोई है जैसे स्टेट, वहां पे डैम बना हुआ है, नीचे साइड कोई स्टेट है, अब वहां से कल को कुछ दिक्कत होगी। अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिली यहां पर हमारे देश के अंदर में, कितनी बड़ी बाढ़ आई, कितने सारे लोग यहां पर जान भी गई, ठीक है, तो ये हिली एरिया में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से यहां पर कितना डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, और इसके साथ में एनालाइज करना है वेरियस कोज क्या है डैम फेलियर के देश के अंदर में, ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप लोगों को यहां पर समझाना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 12 अगस्त को आप लोगों के लिए क्वेश्चन पोस्ट किया था और लगभग 300 बच्चों के द्वारा आंसर दिए गए थे यहां पर, कि बात की जा रही है आप लोगों के लिए कहा क्या यहां पर कि हम लोग जो डैम बनाते हैं उसी के बारे में, ठीक है, किस तरीके से जो एनर्जी की जो नीड है उसके लिए हम लोग डैम को क्रिएट कर रहे हैं, और डिस्कस करना है कि इंपोर्टेंस क्या है यहां पर और इससे रिलेटेड इसकी सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या इशू है। तो 250 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर मैंने आप लोगों से यहां पर पूछा था, ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहां पर इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आया। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर स्टेटस ऑफ डैम क्या है, 67 के करीब हमारे देश के अंदर में डैम है अगर आप लोग देखोगे, मतलब एक तरीके से जो कि बनाए गए थे 20th century में, पुराने हैं बहुत ज्यादा, 70 या फिर उससे ज्यादा साल पुराने हो चुके हैं, तो सारी बातें बताई कितने डैम कितने पुराने हैं आपा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, अंडर 7th schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाओगे तो वाटर स्टोरेज का जो सिस्टम है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के आ जाते हैं यहाँ पर, इसको आप लोग देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए सेंट्रल वाटर कमीशन भी है, फीचर क्या है, नेशनल कमिटी ऑन द डैम सेफ्टी आप लोग को देखने को मिलती है। डैम के इंस्पेक्शन के बारे में बात करते हैं, डैम सेफ्टी के बारे में तो यहाँ पर एक प्रॉपर क्वेश्चन भी आप लोगों का लिखवाया जा चुका है ऑलरेडी, तो अगर आप लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया होगा तो यहां पर आसानी से आप लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मींस के अंदर में यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैं लिखवा भी चुका हूं, अगर ढंग से आप लोग देखोगे तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो ये एक याद रखिएगा इसके बारे में, तो पार्टिसिपेट करिए तो आप लोग काफी चीजें एक सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात की जरिए तेल के प्रदूषण के बारे में, तो व्हाट इज द ऑयल पोल्यूशन, ठीक है, ऑयल पोल्यूशन, बड़े बड़े जहाज जाते हैं ऑयल लेकर आते हैं, बीच में फट जाते हैं तो दिक्कत देखने को मिलती है। बात की जरिए व्हाट आर इट्स जो इंपैक्ट होते हैं ऑन द मेरीन सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा खासकर आप लोग जो कोस्टल एरिया में जाओगे तो उनकी तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहां पर ऑयल पोल्यूशन जो पर्टिकुलर हैम्पर होता है कंट्री के लिए लाइक इंडिया, तो उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। कई बार इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर भी, और कई बार पायरेट्स होते हैं जो वहां पर अटैक करते हैं उसकी वजह से भी यहां पर दिक्कत होती है। तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया में कोस्ट में यहां पर ये दिक्कत देखने को मिली, तो ये काफी आसानी से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं कि एक बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है आज के डेट में, खासकर बात करें। वैसे और ढंग से डिटेल से अगर आप लोगों को इसका आंसर देना है तो पहले ऑयल पोल्यूशन जो होता है उसके बारे में बताएं कि जब क्रूड ऑयल जो है वो रिलीज हो जाता है किसी रिफाइनरी से या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर जो मैरीन इकोसिस्टम के अंदर में, तो वो काफी ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड वहां पर एरिया एक तरीके से उसको डिजास्टर क्रिएट कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं मैरीन लाइफ के लिए, ठीक है। तो इसके लिए टॉक्सिक मैरीन ऑर्गेनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी उस एरिया में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फूड चेन डिसरप्ट हो जाती है उस एरिया में, सोचो किसी ने यहां पर एक तरीके से ऐसी हरकतें कर दी, अगर तेल डाल दिया तो वहां पर कोई उस मच्छी या
फिर जो भी यहां पर जो ओशन से निकाल कर लेकर आते हैं उनको कोई खा पाएगा? तो कोस्टल एरिया को तो जीना हराम हो जाएगा यहां पर राजकेट में, ठीक है। तो ये लंबे समय तक कॉन्टेमिनेटेशन रहता है, आज डाल दिया तो पता नहीं कितने सालों तक वहां पर और पड़ा रहेगा, तो वो जाएगा भी नहीं वहां से। तो मैरीन डेब्रीज बहुत ज्यादा हो जाती है यहां पर, ठीक है। रिड्यूस करता है रिप्रोडक्टिव जो रेट है यहां पर, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एक तरीके से जो जीव जंतु हैं उनकी जिंदगी यहां पर खराब हो जाती है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो यहां पर ऑयल कोटेड वाइल्ड लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से सोचो कई सारे कछुए हैं, कई सारी मछलियां हैं, उनकी आंखों पर ये सारी चीज चिपक गई है, ठीक है। कैसा लगेगा? इकोनॉमिक लॉस होगा और हेल्थ का तो इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसके बारे में बात की जाए। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, और ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं किया जाता है, काम भी किया जाता है इसके ऊपर। हमारे देश के अंदर भी आप लोगों को यहां पर ऐसे देखने को मिलता है, इवन यूएसए के अंदर तो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला था, अलास्का के अंदर में 1989 में, गल्फ ऑफ मेक्सिको में 2010 में। हमारे देश के अंदर छोटे मोटे यहां पर इतने बड़े होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, तो दुनिया भर में इसका इंपैक्ट देखने को आप लोगों को मिलता है। तो यहां पर 150 नंबर में मतलब लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखने लायक है। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जैसे चल रहा है, तो बात की जा रही है यहां पर बेसिकली किसके बारे में, टेररिज्म के बारे में। तो बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, विनिंग ऑफ द हार्ट एंड माइंड इन द टेररिज्म अफेक्टेड एरिया, एसेंशियल स्टेप इज रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्कस द मेजर अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट इन दिस रेस्पेक्ट एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे हम लोग अभी सिचुएशन देख रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से हम लोग लोगों के साथ में कनेक्ट हो पाए। आप लोगों को याद होगा जब यहां पर आर्टिकल 370 जो है उसको चेंज किया गया, वहां पर बहुत सारे लोगों की आईटी की जॉब चली गई, जो इंटरनेट रिस्टोर करने किया नहीं गया काफी लंबे समय तक, तो बहुत सारे इंजीनियर जो लोकल थे वहां पर उनकी जिंदगी जो है दुश्वार हो गई, खासकर कनेक्टिविटी बिल्कुल बर्बाद हो गई। वहां पर जब कर्फ्यू लगाया जाता है बार बार, तो उसकी वजह से जो लोग हैं जो नॉर्मल भी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाले, से एप्पल की जो खेती करते हैं वहां पर, सोचो अखरोट की जो खेती करते हैं, तो उनकी कहानी बिल्कुल एक तरीके से दुश्वार हो गई वहां पर। तो उनके लिए क्या किया जाए, फिर एक दिक्कत यहां पर ये निकल कर आ रही है, वहां पर कनेक्टिविटी जो टूरिज्म का इतना शानदार हब बनाया जा सकता है उसको, तो उसकी वजह से वहां पर दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि वहां पर इस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो लोगों का हार्ट एंड माइंड जो है वो यहां पर जीतना जरूरी है, अगर वहां पर चाहते हो कि पीस बना रहे और सही डायरेक्शन में काम चलता रहे, और सरकार ने काफी काम किए इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। और बाकी इसमें जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि काम क्या क्या किया जा सकते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी तो क्या है वहां पर, एक तरीके से वहां पर जैसे कि जैसे पुराने टाइम की भी अगर बात करें, कई सारे लोग इस पॉइंट को छोड़ देते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है जिनको वहां से निकाला गया था काफी लंबे समय बाद, उनको फिर से वहां पर एक तरीके से रहने के लिए उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए वहां पर रहने के लिए, और ऐसे नहीं उन्हीं के लिए, सबके लिए सिक्योरिटी वहां पर होनी चाहिए। तो ये मीन्स ये भी बन सकते हैं, क्योंकि पीस होगा फिर वहां पर आने वाले टाइम पे, पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव आप लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जॉब क्रिएशन, हेल्थ, इसी के साथ में लोगों को ऐसा माहौल मिले कि मूवीज देखने भी जा सके वीकेंड में, ठीक है। इसी के साथ में रिस्टोरेशन किया जा सके यहां पर एक तरीके से स्टेट का, जो कि यूनियन टेरिटरी चल रहा है, अभी खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात की कि स्टेट बनाओ ताकि लोग जो है अपने आप से वहां पर इलेक्शन में वोट डाल सके, और फिर वहां पर चीजों को ढंग से किया जा सके, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी लाने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल इंगेजमेंट यहां पर एक तरीके से, जैसे हमारे देश में अभी क्या करें हम लोग, हमारे देश के अंदर में जो यहां पर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का पार्ट है, ताकि यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका जा सके, तो पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आएगा, ये सिक्योरिटी मेजर और ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में कोई लोकल कानून लाकर, ताकि बाहर से कोई इंसान जो है हरकतें कर रहा है तो उसको सिस्टमेटिक में चेक कर वहां पर भेजा जा सके, तो ये भी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पीस और डेवलपमेंट इनिशिएटिव में सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, इससे लोग बीज होंगे और उनको जिंदगी लाइफ थोड़ी सी अच्छी होगी, जब उनके हाथ में दो पैसे आएंगे तो अच्छा सोचेंगे भी। हमारे देश के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था, जब से यहां पर फाइनेंस के बारे में अगर बात की जाए, तो फाइनेंस कमीशन 40% पहले 42% यहां पर दिया करता था सेंट्रल स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 1% रोक लिया यहां पर किसने, 15th फाइनेंस कमीशन ने, क्यों? क्योंकि 1% जम्मू एंड कश्मीर में दिया। तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है चीजों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग मेंशन कर सकते हैं। द यूज ऑफ अनमैंड एयर व्हीकल यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली ड्रोन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ओवर जो बेसिकली एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर, यहां अगर खासकर आर्म एम्यूनिशन या ड्रग के बारे में, तो सबको लपेट लिया इन्होंने, यानी कि हथियारों के बारे में बात कर लें आप लोग, ड्रग के बारे में बात करें, तो यहां पर इज ए सीरियस थ्रेट टू द इंटरनल, अगर बात करें सिक्योरिटी के लिए, तो मेजर करना है आप लोगों को यहां पर इसको कैसे टैकल किया जाए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहां पर कि बीएसएफ ने या फिर आर्मी ने बॉर्डर एरिया में हमारे देश के अंदर में कई सारे ड्रोन पकड़े गए, ड्रोन के थ्रू जो पाकिस्तानी जो है वो हथियार यहां पर भेजते हैं, तो ये चीजें आप लोग देखते हैं। तो इसके लिए उसी लेवल पर हम लोग सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। जो अनमैंड एयर व्हीकल है, जिसको नॉर्मली हम लोगों ने COVID-19 पर ड्रग यानी कि दवाइयां डिलीवरी करने के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो पॉजिटिव चीज के लिए भी इस्तेमाल किया सकता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये खतरनाक है। आप लोगों ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया हम लोगों ने पाकिस्तान को मजे चखाने के लिए, तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को देखने को यहां पर मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यूएई का एक तरीके से हम एक नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कैसे बचना है, ये है बेसिकली यहां पर क्वेश्चन। और ये अकेला नहीं है, और भी कई सारे उदाहरण आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है
आज की डेट में किसी भी देश के अंदर में आप लोग यहां पर बॉर्डर वायलेशन यहां पर कर रहे हो, टेररिस्ट अटैक इसकी वजह से कर रहे हो, सर्विलेंस हम लोग कर सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है, स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग जो है वो हो रही है ड्रोन की हेल्प से, पर लेकिन हम लोग रोक भी सकते हैं। जैसे यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर यहां पर काफी लार्ज स्केल पर यह चीज देखने को मिलती है, हमारे देश के अंदर भी यह प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर ही है, दुनिया भर में आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो ये अनमैन्ड एयर व्हीकल लाए गए थे अच्छे काम के लिए, पर लेकिन बुरे काम भी होते हुए नजर आ रहे हैं इसकी वजह से। तो आप लोगों ने देखा कोविड 19 के टाइम पर जब डिलीवरी की गई ड्रग्स जहां पर लोग नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़े तरीके से इसका सही इस्तेमाल देखा गया वहां पर। वेपनाइज करना ड्रोन को ये आजकल में काफी ज्यादा खतरनाक है। देखो कोई इंसान कोई पॉजिटिव चीज किसी चीज के लिए करता है, पर लेकिन उसका नेगेटिव इस्तेमाल होने लगे तो फिर क्या करें। मान लीजिए आप लोग देखते हैं यहां पर किसी को कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है कि केमिस्ट्री में बॉम्ब कैसे बनाना है, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर बता रहा है, लोगों ने बॉम्ब बनाकर लोगों के ऊपर फोड़ना स्टार्ट कर दिए, उसी बॉम्ब का इस्तेमाल करके पहाड़ को तोड़ा जा सकता है, वहां पर नदियां या रास्ते बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी इंसान को जिंदगी देने का काम करती है, उसी से इंसान को निपटाया जा सकता है। प्राइवेसी में घुसना ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है ड्रोन का इस्तेमाल कर, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। थ्री इडियट मूवी में ड्रोन का इस्तेमाल दिखाया गया जो फांसी खा लेता है, देखा आप लोगों ने, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं, मतलब एक तरीके से इंसान की जिंदगी में घुसने की भी कोशिश की जा रही है। टेररिस्ट अटैक ड्रोन की हेल्प से किए जा रहे हैं, इंसान कोई मर नहीं रहा, थोड़े से पैसे दिए ISI इसी का आज की डेट में फायदा उठा रहे हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर मिलजुल कर काम किया जाए, क्योंकि जब तक यहां पर ये इस तरीके दिक्कतें आप लोग देखने को मिले, याद है आप लोग 2019 में ये सऊदी अरेबिया की आर्मी को फैसिलिटी पर यहां पर ड्रोन के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। तो ये एक तरीके से ये अच्छे अच्छे कंट्री को भी यहां पर घुटनों पर लाके रख दे रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो अपग्रेडेशन होता है कई बार एक तरीके से खतरनाक चीजें भी कर देता है क्रिएट। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, ठीक है। तो एग्जामाइन द मेथोडोलॉजी अडेप्ट टू द, एक तरीके से ये जो कंप्यूट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट। तो ये 250 नंबर में यहां पर आप लोगों से पूछ लिया गया बेसिकली। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या बात की जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड द प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो डिस्कस करना है रीजन और इशू क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के और सजेस्ट करना है मेजर। तो यहां पर आप लोगों को सब तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों यहां पर बताए थे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, आप लोगों को मैंने सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट बताए थे, टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग देखते हैं यहां पर, वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं यहां पर। तो यहां पर ओनली स्ट्रक्चरल के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट की जो कि मिसमैच होता है बिटवीन द जॉब जो यहां पर अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर और इंसान के अंदर स्किल की कमी होती है। यानी कि मार्केट के अंदर में स्किल तो है यहां पर वीडियो क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कि कैसे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं आप लोग यहां पर, कैसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं, कैसे आप लोग यहां पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, पर इंसान जो है वो यहां पर इस फील्ड की नॉलेज ही नहीं रखता, वो जानते ही नहीं कैसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। तो ये स्ट्रक्चरल एक तरीके से चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंप्यूटर पर बैठकर किसी को डेटा फीडिंग करना है पर लेकिन कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है, तो स्किल जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। तो ये यहां पर डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूरा यहां पर बता रखे कैसे कैसे इसके लिए काम किया जा सकता है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। कोज क्या है इसके यहां पर किस तरीके से, तो कोज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो सारी बात बताई गई, स्किल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर है, पुअर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे देश के अंदर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे काम करें आप लोग खुद बताइए, ठीक है। इसी के साथ में किस किस तरीके से काम किया जा सकता है, तो क्या क्या यहां पर हम लोग इसके लिए एक तरीके से मेजर्स ले सकते हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं आज की डेट में, तो पूरा एक आंसर है शानदार, आप लोग देख सकते हैं यहां पर। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो इतने क्वेश्चन है यहां पर जिसके बेस पर अच्छे आंसर आप लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, बात की जा रही है कि एक तरीके से आप लोग यहां पर डिस्टिंग्विश बिटवीन द केयर इकोनॉमी एंड द मोनेटाइज इकोनॉमी। तो ये बताना है पहले तो केयर और मोनेटाइज इकोनॉमी क्या है, ठीक है। व्हाट कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू द मोनेटाइज्ड जो इकोनॉमी थ्रू द वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन अलग लग रहा है पर लिखा जा सकता है, पर हाँ एज कंपेयर टू दूसरे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग इसको मतलब नहीं कि मॉडरेट से ऊपर बोल सकते हो। केयर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं को देखने को मिलेगा। मम्मी पे घर क्या करती, घर में क्या करती है, केयर ही करती है। अगर हॉस्पिटल में आप लोग जाओगे वुमेन का ही पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम नर्स आप लोगों को एक तरीके से वुमेन देखने को मिलेगी। तो केयर इकोनॉमी एक तरीके की इकोनॉमी है जो प्राइमरली इन्वॉल्व करती है कि केयर और सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, और ये कई बार अनपेड वर्क होता है, मैक्सिमम टाइम अनपेड वर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये एक तरीका अनपेड वर्क होता है केयर इकोनॉमी में, ठीक है। तो केयर गिविंग एक तरीके से घर पे मम्मी को पैसे नहीं मिलते, पूरे दिन लगी रहती है, ठीक है। मोनेटाइज क्या होता है, मोनेटाइज कर देना, एक तरह से मोनेटाइज इकोनॉमी हो गया, उसमें एक तरीके से ऐसी एक्टिविटी जहां पर पैसा मिल सके, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, गुड्स एंड सर्विस, ये एक तरीके से फॉर्मेट मार्केट हो गया, ये मोनेटाइज की कैटेगरी में आ गया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो केयर इकोनॉमी जो है वो कई बार नेगेटिव तरीके से देखी जाती है, पर लेकिन केयर इकोनॉमी अगर न हो तो दूसरे काम ढंग से ना हो, मतलब घर पे मम्मी जो है, पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मोनेटाइज इकोनॉमी में अगर बात करें, मनी वेज सैलरी उनके बारे में हम लोग बात करें, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो केयर इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से सपोर्टिव रोल प्ले करती है मोनेटाइज इकोनॉमी में। अगर मम्मी घर पर काम ना करे तो पापा घर से बाहर जाकर ढंग से काम ना कर पाए, तो ये आप लोग समझ सकते हैं।
तो केयर इकोनॉमी मैक्सिमम 99% जैसे मैंने बताया महिला आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कोविड 19 पर इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला कि महिलाओं को ये सारे काम दिए जाते हैं, उसकी वजह से न्यूज में था, ठीक है। एक्सप्लेन द चेंजिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चेंज कंजप्शन पैटर्न एंड द मार्केटिंग पैटर्न। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, लोग ज्यादा हेल्दी फूड के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में जंक फूड इतना आ गया, तो उनको हेल्दी डाइट के बारे में बात की जा रही है, तो प्रोटीन ओरिएंटेड फूड पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बेस पर फिर पैटर्न चेंज आता है कि खेतों में दाल दलहन जो है वो ज्यादा फोकस किया जाए उसके ऊपर एज कंपेयर टू दूसरी चीजें, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे लोगों के खाने का इंटरेस्ट होता है वैसे वैसे क्रॉपिंग पैटर्न आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। और ये हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोग जो है नॉनवेज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज के डेट में, एग मच्छी या फिर जो भी है यहां पर एक तरीके से चिकन वगैरह वो सारी चीजें बहुतों का फेवरेट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, तो खेतों में नॉर्मली जो प्रोटीन जो एक तरीके से दलहन से और उनसे निकल कर आते हैं जो एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, तो उनके पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आएगा, उनको कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर वहां पर वो दूसरी चीज देखने को मिलेगी, मार्केटिंग भी उसी पैटर्न पे होती है फिर यहां पर। तो सारी चीजें डिपेंड रहती है कैसे आप लोग उनमें बैलेंस बनाकर चल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग यहां पर बोल सकते हो जो कि खासकर सोसाइटी के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए यहां पर रखा गया, ठीक है। बात कीजिए, व्हाट आर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड बाय द फार्म सेक्टर इन इंडिया, और डिस्कस करना है इशू डब्ल्यूटीओ, ये बहुत पुराना है भाई साहब, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी का इशू। हमारे देश के अंदर में जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट आप लोग लेकर आए, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट पे टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी, ये थी कि हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू अपने देश के अंदर में हम लोग लगभग अपने देश के अंदर में 50-60% तो मतलब 50% आई थिंक अर्बन एरिया में, और लगभग 65% से भी ऊपर हम लोग यहां पर रूरल एरिया में हम लोग लोगों को 2-3 रुपए किलो के हिसाब से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहां पर डब्ल्यूटीओ में पहुंची है कई सारी कंट्री, यार ये तो फ्री में बांट रहे हैं, हमारा कैसे वहां पर कोई खरीदेगा, तो ये बातें देखने को मिली। इन्होंने कहा कि भूखा मर जाने दें उनको, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए जब आप लोग यहां पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अगर देखोगे तो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोग यही याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट सब्सिडी है इसके बारे में बात की जा रही है, इनडायरेक्ट सब्सिडी के बारे में बात की। डायरेक्ट सब्सिडी क्या है, फार्मर को डायरेक्ट पैसा दे देना। आप लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर में जो लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री के थ्रू यहां पर जो पैसा प्रोवाइड कराने वाले, तो वो यहां पर 6,000 लोगों के अकाउंट में भेजा गया, तो क्या है वो डायरेक्ट सब्सिडी हो गई एक तरीके से। तो उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है कि यहां पर एक तरीके से ये सारी चीजें फिर इंटरनेशनल लेवल पर इनको गलत तरीके से देखा जाता है। तो ये सारी एक तरीके से काम करने वाली है। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होगी, कोई एग्रीकल्चर परचेज करे से फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर के थ्रू हम लोगों ने यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा दी कि आप लोगों को फर्टिलाइजर जब लेने जाओगे तो वो फर्टिलाइजर ये जो खाद का कट्टा है वो मान लीजिए 500 रुपए का है, आप लोगों को पड़ जाएगा 200 रुपए का, 300 रुपए सरकार जो है वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करा देगी, आप लोगों को सस्ता मिल जाएगा। वो काली स्कीम लेकर आ गई उड़ीसा में, रायतु बंधु स्कीम लेकर आ गई तेलंगाना में किसानों को सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी देखने को मिलेगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस पे इसलिए मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए हम लोगों ने अगर बात की जाए तो। एडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल आना ही था भाई साहब रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, तो इसको बोलते करेंगे आज के में हाउ डू द इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंट्रीब्यूशन है टू रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन एंड व्हाट आर द की टू बेनिफिट दे ऑफर करते हैं बेसिकली कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कंजप्शन इंजन जो व्हीकल होते हैं। आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इतना फोकस है कि नितिन गडकरी साहब जहां जा रहे हैं वहां चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनको बेसिकली देख लो। अभी कुछ दिनों पहले तो एक वायरल हो गई न्यूज कि डीजल और पेट्रोल के व्हीकल के ऊपर एक्स्ट्रा 10% जीएसटी लगाया जाएगा, हालांकि फिर उसको बोला गया बेसिकली बोले कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास में गए हमारे जो एक तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, तो बोले कि वहां पर जाकर उन्होंने बोला कि अभी इलेक्शन आ रहा है थोड़ा रुक जाओ, कार्टून बन रहे थे इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इसके ऊपर वो लगाया जाए क्योंकि 2070 तक हम लोग क्या करना है ये सारी चीजें निपटानी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आज के में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता किसी भी तरीके से, नई नई जॉब क्रिएट होंगी यहां पर आने वाले टाइम में, एक अलग सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दुनिया के साथ में मिलकर हम लोग को चलना है तो इसमें हम लोग को काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहां पर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, जो फ्यूल परचेज करके लेकर आते हैं हम लोग क्रूड ऑयल, वो डिपेंडेंसी हमारी कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होती है यहां पर नजर आएगी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में आएंगे। तो यहां पर ये सबसे बड़ी चीज तो ये पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग को सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक अच्छा आंसर आप लोग लिख सकते हो, और कोई मतलब मुझे लगता है जितना मार्केट में न्यूज में, तो आप लोग एक अच्छा आंसर यहां पर दे सकते हो, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन लिख रखा है देखो ये आना ही था, ठीक है, ये आना ही था क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा हमारा बेसिकली क्या था, मून मिशन, ठीक है। तो बात की जा रही है व्हाट, देखो ढंग से देखना आप लोग यहां पर हमारा जो मून मिशन था कितना ज्यादा फेमस हुआ, तो उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। बात की जा रही है व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ द इंडिया, जो हमारे देश की थर्ड मून मिशन जो था उसमें सबसे बड़ी टास्क क्या थी, और विच कुड नॉट बी अचीव इन द अर्लियर मिशन, क्या थी, सॉफ्ट लैंडिंग थी। यस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, तो डायरेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। तो लिस्ट देना है कंट्रीज दैट हैव अचीव दिस टास्क, जो अचीव कर सके बताइए कौन सा है, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना रखे मैंने, जाकर देखना चैनल के ऊपर। इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है जो सिस्टम होता है इन द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द जो एक तरीके से जो वर्चुअल जो वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल होता है उसके बारे में बात की जा रही है। और इसी के साथ में यहां पर किसके बारे में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा, यानी कि चंद्रयान मिशन के बारे में बात की जा रही है।
वर्चुअल लॉन्च रोल किस तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस सर एयर स्पेस एयरक्राफ्ट में, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है। तो चंद्रयान मिशन को घुमा फुरा कर पूछा गया आप लोगों से, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग की उस पर्टिकुलर पोजिशन पर। आज तक किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया, सॉफ्ट लैंडिंग पहले कोई करा चुका है? हाँ, यूएसए करा चुका है, यहाँ पर चाइना करा चुका है सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। रशिया का कुछ दिनों पहले मिशन था, वो फेल हो गया सॉफ्ट लैंडिंग कराने में। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछना बनता है, ठीक है, इतना ज्यादा न्यूज में था तो इसको तो मुझे लगा अभी बैठ के तैयार किया होगा जब मिशन लॉन्च किया गया है कि नहीं, आप लोग बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर, कमेंट करना है उन्हें, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेम द फ्यू नी जो वेटलैंड जो है हमारे देश के अंदर में, ये क्यों है? रामसर साइट हमारे देश के अंदर, बताइए कितनी है ये, दुनिया भर की रामसर साइट हमारे देश में भी रिसेंटली देखने को मिली। तो उनके कंजर्वेशन के लिए नेशनल यहां पर एक तरीके से डे तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर सरकार ने काफी लार्ज स्केल पर इस पर फोकस किया कि कैसे यहां पर इसको इंक्लूड किया जाए और कैसे हम लोग चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर इतनी रामसर साइट आप लोगों से मैं डिस्कस की अभी सारी, देखा आप लोगों ने डेली एक रामसर साइट हम लोग डिस्कस करते थे। एक बच्चा कहता है कि सर उसकी लिस्ट बनाकर दे दो, हाँ बोला है टीम को मैंने, मैंने कहा लिस्ट बनाकर प्रोवाइड कर दो बच्चों को जो भी रामसर साइट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये सारी एक जगह इकट्ठी फिर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके ऊपर कमेंट करना आप लोगों को यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक ऐसा मुद्दा है जो मतलब हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इनके द्वारा और ग्लोबल डेटा रखा जाता है कैसे आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोस्टल एरिया में अगर आप लोग जाओगे ना वहां पर जो बेसिकली रीजन है वहां पर बहुत इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसी के चलते इंपैक्ट इन इंडिया और अदर कंट्री, अभी इंडिया ने जो आइलैंड कंट्री है उनके लिए बात रखी थी यहां पर इंटरनेशनल पटल पर, जहां पर आईपीसीसी के रिलेटेड डेटा को लेकर भी ध्यान में कि यार इनके लिए फोकस करो वरना कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। हमारे खुद देख लो आप लोग, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, हमारे खुद के बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो ये एरिया देखने को मिलेगा आप लोगों जिसके ऊपर अगर काम ना किया तो हमारे खुद के आइलैंड वाले एरिया है, अरेबियन सी में आइलैंड वाला एरिया है, वो क्या बताइए जरा आप लोग यहाँ पर। तो ये भी एक क्वेश्चन है इस तरीके से है, जो कि एक पुराना क्वेश्चन है, अगर पुराने क्वेश्चन उठाकर जिसने देख रखे होंगे वो एक टॉपिक तैयार करके आराम से गया होगा यहाँ पर इसके ऊपर भी, ठीक है। व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया, सबसे बड़ा तो हमारे देश के अंदर माओइस्ट वाली प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक है। सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है घुमा फिराकर, ठीक है। एजेंसीज कैसे काउंटर कर रही है किस तरीके से ऐसी थ्रेट को, तो कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, कैसी चीजें ले जा सकती है, सबसे पहले तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर आने की बात की जाती है, वहां पर डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। मूवी नहीं आई थी राजकुमार राव की जिसमें इलेक्शन की बात की जाती है, इलेक्शन कराने जाता है वहां पर, तो ये इलेक्शन की प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लोगों के अंदर में ट्रस्ट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, उनकी जो लैंड है वो कई बार कई सारी फैक्ट्री जो है वो अपने बेसिकली बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनकी लैंड एक तरीके से हथियार लेते हैं, वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो ये एक बड़ा ही एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, हर साल पूछा जा रहा है, कोई नया नहीं है यार इसमें, आप लोग आसानी से लिख सकते हो उसको, तो अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बात की जा रही है मतलब जो पुराने क्वेश्चन पेपर देख के जा रहा है आसानी से लिख लेगा इसको। बात की जा रही है गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ द टेररिस्ट फंडिंग इन इंडिया, ठीक है। इसी के साथ में एफर्ट क्या है इसको एक तरीके से कर्टेल करने के लिए, और इन दिस लाइट आप लोगों को बताना है नॉन मनी फॉर टेरर, ये कॉन्फ्रेंस रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली के अंदर में देखने को मिली, तो इसलिए क्वेश्चन पूछना बनता भी है यहां पर। तो यहां पर ये जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया हुई है इसी के उपलक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि नवंबर में हुई ताजी यहां पर। तो नो मनी टेरर कॉन्फ्रेंस जो थी ये काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को थी, जो कि हमारे देश के अंदर में देखने को मिली, और हमारे देश के जो लीडर हैं खासकर हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जहां भी जाते हैं इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो नो मनी टेरर कॉन्फ्रेंस जो है ये स्टार्ट की गई थी 2018 में, ये फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है यहां पर, ठीक है। कॉन्फ्रेंस जो है 2019 में ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे इसको नहीं किया गया, और फिलहाल अब यहां पर इंडिया के अंदर देखने को मिली। कई सारे देश आप लोगों को यहां पर इसके लिए देखने को मिलेंगे। थ्रेट क्या है, 9/11 अटैक का जो एक तरीके से अटैक देखने को मिला था, तब से यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है। इसी के साथ में अलकायदा ISI ये आप लोगों को देखने को मिलता है, हवाला के थ्रू यहां पर काम करते हैं। जब यहां पर यूएसए के अंदर अटैक किया गया था बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिली थी कि टेररिस्ट के पास में इतना पैसा कहां से आ गया कि वो एक देश के अंदर हवाई जहाज घुसाकर बिल्डिंग उड़ा दी पूरी। डार्क नेट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बड़े ही एक ईजी तरीके हो गए आज की डेट में। आप लोग देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बहुत आसानी से यहां पर इसका इस्तेमाल किया सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे देश के अंदर में क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ले रखा है, नेशनल इंटेलिजेंस जो ग्रिड बना रहे हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत देखने को मिले तुरंत पता चल जाए उसके लिए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूएन जो इंटरनेशनल लेवल पर यूएन ऑफिस ऑन द जो काउंटर टेररिज्म के बारे में बात की जाती है, टेररिज्म प्रिवेंशन के बारे में बात की जाती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम लिखना जो मत भूलिएगा यहां पर, ठीक है। और इंडिया के अंदर में एनुअल रेजोल्यूशन और ये बात की जाती है ऑन द काउंटर टेरर, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारी बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि टेररिज्म के ऊपर आप लोग देखते हैं
है नॉर्मली ये देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर तो एक एनुअल रेजोल्यूशन आता है काउंटर टेररिज्म, जो हम लोग यहां पर बेसिकली ये आप लोग देखते हैं इंडिया जो फर्स्ट कमिटी जो यहां पर यूनाइटेड नेशन के अंदर में इसको रखा गया था। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग यहां पर इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, और यार हम तो इसका बहुत ही बड़े शिकार भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हम तो इसका शिकार है, तो हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। तो यार मुझे तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना हो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉडरेट लेवल का पेपर आप लोग बोल सकते हो, पुराने क्वेश्चन भी उनको घुमा फिराकर पूछे गए ऐसा आप लोग बोल सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको थोड़े सा आप लोग एफर्ट डाल के नहीं अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जो कि एक तरीके से ना मॉडरेट टाइप के हैं, वरना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार तो समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखना है, पर यहां पर पढ़कर आप लोग समझ पा रहे हो, कई सारे रिपीट पुराने टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है घुमा फिराकर। कैसा लगा आप लोगों को डिस्कशन जरूर बताना, बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो चाहते हो तो बताना, और बाकी इसी के साथ में सीरियस होकर तैयारी करो 2024 के लिए, आप लोगों के लिए डेमो है ये एक तरीके से, आप लोगों भी इसी तरीके से बैठना है और पेपर देना है और मां बाप के सपने को साकार करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट यार, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।